काइट प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल DDCA और Champions-9 के बीच में, Champions-9 के टीम के कैप्टन हैं सक्षम और DDCA के कैप्टन हैं शौर्य। मैं सक्षम से पूछना चाहता हूँ, अब तक का सफ़र कैसा रहा सक्षम आपका, और आज के मैच के बारे में कोई विशेष स्ट्रेटजी आपकी? नहीं सर, विशेष तो कुछ नहीं है, वही नॉर्मल मैच खेलना है, कोई प्रेशर नहीं है हमारे लड़कों। आपका जो ओपनिंग बैट्समैन है वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबे लंबे छक्के वो मार रहा है, तो आज भी आपको ऐसा उम्मीद है क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है? नहीं सर, कितना भी अच्छा हो वो हमारे हमेशा से तैयार रहता है, कोई सा भी बॉलर आ जाए कैसी भी कंडीशन में। शौर्य, अब तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत सही रहा हमारा, सेम प्लान है, सेम स्ट्रेटजी। आपकी टीम काफ़ी बैलेंस टीम है, आपकी टीम में शुरू में 2-3 विकेट भी गिरे पहले मैचेस में, पर फिर भी आपने एक अच्छा टोटल हासिल किया और आपकी टीम की बॉलिंग आपकी जान है पूरी तरह से जितना मैं देख रहा हूँ, तो आज आपकी बॉलिंग में कोई विशेष स्ट्रेटजी, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग जो है, ओपनर बैट्समैन जो है विशेष तौर पर, वो बहुत खास बल्लेबाज है। सर, हमारी स्ट्रेटजी बैट्समैन के हिसाब से चेंज नहीं होती, जो हमारी लाइन वाले तब वही डालेंगे, बैट्समैन ने बस मारा तो बैट्समैन की शॉट। गुड लक, टॉस टाइम। कॉल, टेल्स इट इज, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे, ठीक है, गुड लक, स्पोर्ट्समैनशिप। केशव की गेंद, फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सहारे घुमा दिया इसे निमित ने 6 रन के लिए, बहुत ही आसान सा दिखने वाला शॉट और बहुत ही लंबा छक्का। नमन अगली गेंद के लिए तैयार और फुल टॉस गेंद जिसे घुमा दिया है 6 रन के लिए नमन ने, फुल टॉस गेंद फेंक दीजिए और छक्का खा लीजिए, यही इस ग्राउंड की खास बात है। नमन सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का और ओवर पिच गेंद जिसे नमन ने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। नमन तैयार अगली गेंद के लिए, फुल टॉस बॉल जिसे फ्लिक कर दिया नमन ने, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग। नमन तैयार अगली गेंद के लिए और गेंद को घुमाकर मारना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, सागर नीचे और सागर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया, गेंद काफी देर हवा में रही, सागर ने काफी अच्छे से जज कर इस कैच को पकड़ा, देखिए कितना खूबसूरत कैच। सागर की ये गेंद, ध्रुव ने इसे उठाकर मारा है, चिराग गेंद के नीचे जा रहे हैं, पकड़ लिया चिराग ने कैच, बहुत ही शानदार कैच, पोल से टकरा गए पर गेंद नहीं छोड़ी, जबरदस्त कैच। निमित सामना करने के लिए तैयार सागर की गेंद का और एक बार फिर उठाकर मार दिया इसे निमित ने 6 रन के लिए, लेग साइड बहुत स्ट्रांग है निमित का, हमने देखा है। सागर की अगली गेंद निमित के लिए, फुल टॉस बॉल जिसे सीधा खेल दिया है निमित ने 4 रन के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई, फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने का। सागर की ये गेंद और एक बार फुल टॉस बॉल, लो फुल टॉस जिसे निमित ने उठाकर मार दिया 6 रन के लिए, ये 2 कदम आगे आए और 6 रन। रोहित का सामना करने के लिए तैयार निमित और देखिए कैसे घुटना टिका कर एक शॉट मारा है निमित ने 6 रन। केशव की अगली गेंद और बल्लेबाज ने उसे उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीधी हवा में, चिराग ने एक बार फिर एक आसान सा कैच पकड़ लिया, चिराग बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, हमने पिछला भी कैच उनका देखा था। सागर की गेंद का सामना करने के लिए तैयार शौर्य और सागर की ये पटकी हुई गेंद जिसे पुल कर दिया है शौर्य ने 6 रन के लिए, आधी पिच पर बॉल फेंकेंगे तो यही होगा। सागर की गेंद का सामना करने के लिए तैयार अंकित और फुल टॉस बॉल जिसे अंकित ने सीधा उठाकर मारा, गेंद हवा में जा रही है और चिराग ने एक बार फिर बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया, चिराग की कैचिंग कैपेबिलिटीज के तो भाई हम फैन हो गए आज, बहुत ही
आसान बना देते हैं मुश्किल कैचों को भी। वाह भाई वाह इस बच्चे के बाद सागर की अगली गेंद और बल्लेबाज ने इसे घुमा दिया है लेग साइड की तरफ, चार रन। कोई मौका नहीं फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। रोहित तैयार अंकित का सामना करने के लिए और बाहर निकलती हुई गेंद, एक एज लगा, कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में, आउट हो गए रोहित। बेहतरीन गेंदबाजी अंकित की। चिराग सामना करने के लिए तैयार शौर्य का और घुमाकर मार दिया इसको, छह रन के लिए चिराग ने, दर्शनीय शॉट। जैसे ही गेंद थोड़ी सी लेग साइड की तरफ मिली चिराग ने इसमें कोई गलती नहीं की छह रन प्राप्त करने में। शौर्य की ये अगली गेंद और कवर्स की दिशा में खेला है, दौड़ पड़े रन लेने के लिए बल्लेबाज, नमन ने सीधा थ्रो मार दिया, विकेटों में रन आउट हो गए बल्लेबाज। क्या बेहतरीन थ्रो था भाई नमन का, बहुत ही चुस्त फील्डिंग नमन की। बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं क्रीज तक पहुंचने का। शौर्य की गेंद का सामना करने के लिए तैयार केशव और केशव ने पुल कर दिया इस बॉल को चार रन के लिए। शॉर्ट बॉल थी, कोई गलती नहीं की केशव ने इस पर चौका लगाया। केशव तैयार अंकित की गेंद का सामना करने के लिए और क्रॉस खेल गए इस बॉल को केशव, गेंद मिडल विकेट ले उड़ी। चिराग की गेंद का सामना करने के लिए तैयार विशाल और उठाकर मारना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर ध्रुव के हाथों में चली गई गेंद। कोई गलती नहीं की ध्रुव ने इस आसान से कैच को पकड़ लिया। चिराग शौर्य की अगली गेंद पर और एक बार फिर वैसा ही शॉट खेला चिराग ने छह रन के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है चिराग इस तरफ। शौर्य की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार चिराग और चिराग उठाकर मारना चाहते थे पर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद हवा में जा रही है, तीन तीन फील्डर्स नीचे हैं और चिराग ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया इस गेंद पर। अर्नव की अगली गेंद सागर को, आगे बढ़कर सागर ने इस बॉल को घुमाया है, छह रन, बेहतरीन शॉट। चिराग की अगली गेंद जिसे बल्लेबाज ने उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीधी हवा में और फील्डर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। सागर चिराग की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, आगे बढ़कर घुमाना चाहते थे पर गेंद नीचे रह गई और सीधी विकेटों में चली गई। बहुत ही निराश होंगे अपने आप से सागर इस शॉट के बाद। शौर्य की अगली गेंद और बल्लेबाज इसे उठाकर मारना चाहते थे लेग साइड की तरफ पर पूरी तरह क्रॉस खेल गए इस बॉल को और बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। और इसी के साथ DDCA ने इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया और फाइनल में प्रवेश किया।